देखी एक वीडियो जहां यमन में कुछ लोगों ने एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके भारत जाने वाले एक जहाज पर कब्जा कर लिया। इसका नाम हौथिस ग्रुप है जो ईरान के समर्थन में है, उन्होंने यह किया। वीडियो में आप एक हेलीकॉप्टर को एक जहाज पर उतरते हुए देख सकते हैं जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। उसमें से कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। बाद में वीडियो में दिखाया जाता है कि इन सशस्त्र लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रू को बंदूक के निशाने पर रखा है। ग्रुप ने कहा कि जहाज इसराइल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसराइल ने कहा है कि यह एक ब्रिटिश स्वामित्व और जापानी संचालन वाला जहाज है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा है कि यह यमन के करीब दक्षिणी लाल सागर में हुआ एक गंभीर घटना है जिसके ग्लोबल परिणाम हो सकते हैं। जहाज तुर्की से रवाना हुआ था और यह भारत जा रहा था विभिन्न देशों के नागरिकों के साथ, लेकिन इसराइली नहीं। यह इसराइली जहाज नहीं है। अगर आपको यह रोचक लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और टिप्पणी करें।